नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, जैसे जैसे अप्रैल माह में दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्टूडेंट की रिट के रिजल्ट को लेकर के उनकी दिनों दिन उत्सुकता बढ़ती जा रही है स्टूडेंट। पर जहां तक अनुमान है आपके अप्रैल की जो लास्ट वीक है उसमें 24 से 31 के बीच स्टूडेंट जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेवल 2 साइंस में आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी में कितने नंबर का अंतर रह सकता है, अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं उसके बेस पर और जो स्टूडेंट के फीडबैक मिले स्टूडेंट उसके बेस पर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं जिसमें कि आपके साइंस और आपका मैथ्स पूछा जाता है, उन एग्जाम्स में स्टूडेंट जहां तक काफी वेरिएशन आया है, जैसे कि अभी आप देखें तो प्रयोगशाला सहायक में लगभग लगभग आपके 70 प्लस मार्क्स का डिफरेंस था। अगर आप आरपीएससी के एग्जाम देखें सेकंड ग्रेड साइंस के, तो स्टूडेंट वहां भी आपके 40-50 नंबर तक का डिफरेंस रहता है। लेकिन स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपके रिट लेवल 2 में कम से कम स्टूडेंट मिनिमम बता रहा हूं आपके 30 मार्क्स का अंतर तो रहना चाहिए, ये मेरा मिनिमम आंकड़ा है ना। कम से कम आपके 30 नंबर का अंतर स्टूडेंट जरूर रहना चाहिए आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी के स्टूडेंट मार्क्स के अंदर इस साल मेरे ख्याल से। तो जब 30 मिनिमम है स्टूडेंट, तो कितना रह सकता है आपका? तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपका टीएसपी, अगर नॉन टीएसपी स्टूडेंट आपके अगर 190 जाता है, जिसकी उम्मीद है 190 के आसपास की उम्मीद स्टूडेंट ज्यादा लग रही है, तो स्टूडेंट आपका टीएसपी जो है वो आप स्टूडेंट समझ सकते हैं कि कितना तक जा सकता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आपका 160, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे भी कम जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट मेरा जो आंकड़ा है वो आपका 30 प्लस यानी कि आपके 35 टू आपके 40 मार्क्स तक का अंतर रह सकता है स्टूडेंट। उसके अकॉर्डिंग ये आपके 155 से 158 फाइनल कट ऑफ स्टूडेंट, ये आपके 190 से स्टूडेंट और आपके 192 मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से डिफरेंस जो है वो आपके 30 से 35 नंबर का तो कम से कम रहना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल है, 35 37 से ज्यादा मुश्किल है, और मुझे लगता है 30 या 28 से कम तो नहीं रहेगा, ये मेरे ख्याल से डिफरेंस इतना रहना चाहिए। तो स्टूडेंट मेरे लिए कट ऑफ जो है वो 155 से 158 टीएसपी कैटेगरी स्टूडेंट और नॉन टीएसपी की आपके 190 से 192, है ना, क्योंकि 200 तो नहीं दिख रहा है। कई स्टूडेंट जो है मैसेज आते हैं कि सर मेरा 170 टीएसपी में होगा या नहीं हो, तो उसमें मेरे ख्याल से तो उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 165 भी अगर आ जाते हैं फाइनल एनसीईआरटी में तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका नॉन टीएसपी 200 तो नहीं टच कर रहा है जहां तक मुझे लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा 190 से 192 या 195 भी चला गया तो स्टूडेंट आपका टीएसपी मैक्सिमम 160 जाएगा, उससे अबव तो नहीं जाने वाला स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आंकड़ा यही रहना चाहिए आपका। जब रिजल्ट आए स्टूडेंट, जब फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, या मैं आपके डबल की कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने जो पेपर आए स्टूडेंट उसके एनालिसिस के बेस पर मेरे ख्याल से यही फाइनल कट ऑफ रहना चाहिए स्टूडेंट। आगे देखते हैं क्या होता है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।